नमस्कार आदाब सर श्रीकाल, मैं अरुणेंद्र सिंह चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर फॉर ऑल कम्पिटेटिव जर्नलिस्ट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें और सजेस्ट करें ताकि मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। तो आइए चलते हैं 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर की करंट लेटेस्ट न्यूज़ की ओर। तो 18 और 19 अक्टूबर की करंट अफेयर को मैंने तीन भाग में डिवाइड किया है, अपॉइंटमेंट्स, जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज एंड मिसलिनियस न्यूज़। तो सबसे पहले चलते हैं अपॉइंटमेंट में। तो पहली अपॉइंटमेंट न्यूज़ है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अनूप सिंह को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का महानिदेशक चुना गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ही ब्लैक कैट्स कमांडो भी कहते हैं। मैंने ब्लैक कैट्स कमांडो की एक टीम की पिक इसमें ऐड की हुई है, ये आप देख सकते हैं कि NSG ब्लैक कैट्स कमांडो की टीम कैसी है, कैसी दिखती है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किसे अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की है? तो जस्टिस शरद अरविंद बॉबडे को रंजन गोगोई ने अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने की सिफारिश की है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज हैं। नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टीन लिगाडे जो कि फ्रांस की हैं, इन्हें यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो सज्जन जिंदल को एक साल के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का नया वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी हैं तो इनको भी कवर करते हैं। तो चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन हैं आंद्रे जॉन पीटर्स, और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन से रिलेटेड तीन क्वेश्चन आप बन सकते हैं। एक वाइस चेयरमैन का जो कि सज्जन जिंदल को अपॉइंट किया गया है एक साल के लिए, चेयरमैन जो कि आंद्रे जॉन पीटर हैं और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कितने नए मेंबर या देशों को ह्यूमन राइट काउंसिल में नियुक्त किया है? तो 14 देशों को ह्यूमन राइट काउंसिल में नियुक्त किया है। तो आइए जानते हैं वो 14 देश कौन है। इन्हें याद नहीं करना है, बस एक रफ और फास्ट में पढ़ के एक आइडिया ले लेना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इलेक्टेड कंट्रीज़ और उन कंट्री जो ह्यूमन राइट काउंसिल को छोड़कर जा चुके हैं। तो पहले चलते हैं इलेक्टेड कंट्रीज़ में। तो अर्मानिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, लीबिया, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सूडान, वेनेजुएला, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, मार्शल आइलैंड, म्यूरिटानिया एंड नामीबिया। और अब आते हैं आउटगोइंग कंट्रीज जिन्होंने ह्यूमन राइट काउंसिल छोड़ दिया है, चाइना, क्रोएटिया, क्यूबा, इजिप्ट, हंगरी, आइसलैंड, इराक, रवांडा, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुनिसिया एंड यूके। तो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट काउंसिल को छोड़ दिया है, और 14 नए कंट्रीज इलेक्टेड हैं वो लिस्टेड हैं यहाँ पर। तो आप जब भी आपको जरूरत पड़े आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आता है जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज है, 17 अक्टूबर से कहाँ और किस देश के साथ इंडियन एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री 2019 प्रारंभ हुई है? तो पश्चिम बंगाल में जापान के साथ इंडियन एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री 2019 प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जापान एक देश आ रहा है, तो हमें जापान की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम जानते हैं जापान का कंट्री क्या है, चलते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी एन, जापान के प्रधानमंत्री सिंजो आबे। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा और जरूरत पड़े तो कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज वी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज वी भारत की एयरफोर्स और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के बीच होने वाली ज्वाइंट एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज जामनगर गुजरात में 17 से 26 अक्टूबर के बीच में संपन्न होगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की एयरफोर्स और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के बीच में होने वाली जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज वी है, और ये कहाँ हुई है? तो जामनगर गुजरात में 26 से 27 अक्टूबर
के बीच में संपन्न हुई। इसको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग और भी कुछ पॉइंट हैं जो मैंने कवर किए हैं, जैसे कि एयर चीफ मार्शल ऑफ एयर फोर्स, इंडियन एयर फोर्स, राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, ये अभी अपॉइंटेड हुए थे, नए अपॉइंटेड हैं। तो एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओमान की राजधानी मस्कट, ये याद रखनी है हमें, और ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है और आ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो DANS-19 क्या है? तो DANS-19 ये एक 5 दिवसीय डिफेंस एक्सरसाइज है, एक 5 दिवसीय डिफेंस एक्सरसाइज है जिसमें तीनों भारतीय सेनाओं ने हिस्सा लिया था, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने इसमें हिस्सा लिया था। DANS-19 का फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्सरसाइज 2019, जो कि हेल्ड हुई है, यानी कि एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो नवा क्वेश्चन है, द बुक टाइटल माइंड मास्टर्स विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये किसी न किसी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इंडियन चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद ने यह बुक लिखी है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैम्पियंस लाइफ। ये अभी रिलीज़ नहीं हुई है, 11 दिसंबर 2019 को ये रिलीज़ होगी। चलिए आज थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो ये इस बुक का टाइटल है माइंड मास्टर, और इस बुक में आनंद जी ने अपनी सबसे अच्छी जीत और सबसे ख़राब हार का जिक्र किया है, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से यहाँ पर अपनी अनुभव का को प्रकट किया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो 10वीं न्यूज़ है बाली यात्रा, देख लीजिए बाली यात्रा किस राज्य का व्यापारिक मेला है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बाली यात्रा किस राज्य का व्यापारिक मेला है? तो कटक उड़ीसा का ये व्यापारिक मेला है। यह मेला 12 नवंबर से शुरू होता है और ये हर साल महानदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे आयोजित होता है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भी हम लोग जान लेते हैं क्योंकि ये उड़ीसा कटक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर याद रखना है, सबको याद ही होगा वैसे तो। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये भी सबको याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड कराना मेरा फर्ज था। आगे जानते हैं बाली यात्रा के बारे में। तो बाली एक्चुअली में एक उड़ीसा में एक पोर्ट और एक सिटी है, बाली उड़ीसा में एक पोर्ट और एक सिटी है जिसका एक ये पिक है। बाली यात्रा हर साल कार्तिक पूर्णमासी यानी कि फुल मून के दिन महानदी के किनारे मल्लाहों और नागरिकों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये एक आप देख रहे होंगे पोर्ट है, ये सिटी है, इसी पोर्ट के किनारे किनारे यहाँ पर एक सिटी थी जहाँ पर मल्लाह और नाविक रहते थे, और यही लोग हर साल एक व्यापारिक त्यौहार मनाते थे जिसे बाली यात्रा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध चित्रकार का निधन हो गया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चित्रकार कालिदास कर्माकर का 18 अक्टूबर को ढाका में निधन हो गया। ठीक है, मैंने इनकी एक पिक भी ऐड की हुई है, ये देखिए, ये हैं कालिदास कर्माकर, तो इन्हें याद कर लीजिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कालिदास कर्माकर बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हाल ही में इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम की किस ऑलराउंडर ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो जेनिफर लुइस गुन, याद कर लीजिएगा, इनकी फ़ोटो भी मैंने अटैच कर रखी है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जेनिफर लुइस गुन फॉर्मर कैप्टन हैं इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम की, ये सबसे सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन हैं, इन्होंने 3 वर्ल्ड कप दिलाए हैं अपनी टीम को और 5 SS सीरीज में भी जीत दिलाई है। सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम की, जेनिफर लुइस गुन, याद रख लीजिएगा और इसे कहीं नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, तो 13 न्यूज़ है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ओआसिस प्रोग्राम लॉन्च किया है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी ने ओआसिस प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओआसिस प्रोग्राम है क्या? तो ओआसिस का फुल फॉर्म है ऑफिसर ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह प्रोग्राम इंडियन आर्मी ने अपने ऑफिसर्स के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए लॉन्च किया है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन, कब और किस देश को 91st
इंटरपोल जनरल असेंबली की मेज़बानी करने का मौका मिला है। तो कब बात करें तो 2022 को भारत को इंटरपोल असेंबली की मेज़बानी करने का मौका मिला है। इसी के साथ और भी पॉइंट कवर करते हैं। तो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल याद रखना है हमें, लियोन फ्रांस है। कैपिटल ऑफ फ्रांस याद रखना है, पेरिस। और पीएम ऑफ फ्रांस है एडवर्ड फ्लिप। ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनमें से कुछ भी पूछा सकता है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन में। हाल ही में किस हाईवे का नाम यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने गुरु नानक देव जी मार्ग रखने की घोषणा की है? तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट ये भी है। NH नंबर 703AA का नाम गुरु नानक देव जी मार्ग रखने की घोषणा की है नितिन गडकरी जी ने, जो कि ये पंजाब में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन में। मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स 2019 कब और कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो याद, ये इम्पोर्टेंट ये भी है, ये पहली बार हो रहा है। तो वुहान सिटी चीन में 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में यह मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स 2019 आयोजित होगा। मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स को ओलंपिक गेम्स फॉर मिलिट्री भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक गेम्स फॉर मिलिट्री के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वुहान चीन में आयोजित होगा या मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो वुहान सिटी चीन में ये आयोजित होगा 18 अक्टूबर से। आगे बढ़ते हैं 17th न्यूज़, और ये लास्ट न्यूज़ है। हाल ही में हुई वाशिंगटन में केंद्रीय बैंक गवर्नर्स तथा G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो 18 और 19 अक्टूबर की करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। कल फिर मिलेंगे 20 अक्टूबर की करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।